गाइस ना एक्चुअली सीख रहे हैं, पीछे से विनोद बता रहा है, तो इस वजह से क्योंकि मैं हूँ स्कूटी चलाने वाला। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो बहुत दिन हो गए आज वीडियो नहीं बनाए, आज वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि घर के ना जो निजी काम होते हैं इसकी वजह से मैं फंसा ही रहता हूँ कभी ना कभी। तो मैंने सोचा कि आज चलो मौका मिल रहा है, आज बना लेते हैं। तो आज मौका मिल रहा है, आज बना लेते हैं और थोड़ी बहुत इधर उधर घूमने भी चले जाएंगे क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल ना पहाड़ों में ऐसा हो गया, असोज लग गया है, तो घास काटने वाले जो दिन आ रखे हैं, क्योंकि जो एरिया होती है हमारी तो उसमें जो घास काटने वाले दिन होते हैं तो हम घास काटते हैं, तो तब जाके थोड़ी सा इसलिए वजह से टाइम नहीं मिला। थोड़ी सा मेरी मम्मी की ना थोड़ी सा तबीयत हल्की सी डाउन है, उनमें ना हवा पड़ रखी, तो इसकी वजह से थोड़ी सा वैसे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो नीचे दुकान में विनोद मेरा वेट कर रहा है, कम से कम उसको 1 घंटा हो गया, मैंने 1 घंटे से रोक रखा है, अभी जाके कुछ ना कुछ बोलेगा वो। तो गाइस जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलते हैं, बाकी आप लोगों को फिर मिलेंगे। गाइस ना एक्चुअली मुझे विनोद मिल चुका है, अभी हम खड़े हैं वैसे गोल्फ ग्राउंड के पास। अच्छा भाई, गोल्फ ग्राउंड पर खड़े हुए हैं आज। गोल्फ ग्राउंड की आजकल की बात की जाए ना गोल्फ ग्राउंड का, तो एक बार ना आप वैसे हल्के से देखो कितना मस्त लगता है, पूरे तरह से ग्रीन घास है, पूरी तरह से। पर इसका जो टाइमिंग है ना वो खुलने का, वो 11 बजे दिन में और 2 बजे बंद हो जाता है, मतलब 1:45 तक ये बंद हो जाता है। तो जो भी अगर घूमने आना चाहते हो वो 11 बजे से 2 बजे के बीच तक आ सकते हो, मतलब 2 बजे से पहले 1:45 तक, उसके बाद से फिर बंद हो जाता है, फिर लोगों को बाहर करने लग जाता है। दोनों साइड का वैसे ही है एकदम से, बिल्कुल देखो पूरी तरह से मस्त लग रहा है। पर आजकल इसमें ना घूमने लायक आजकल ही है, और अगर चाहो तो आजकल फ़ोटो भी बहुत अच्छी आएगी, पीछे से हरा घास एकदम से बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, क्यों क्या कहता है भाई, बिल्कुल एकदम मज़ेदार। पर ना एक चीज़ थी ना, मेरे को आज इस बात का रिग्रेट हो रहा है, अगर हम आदि कैलाश इस बीच गए होते ना तो आज हम दर्शन भी कर सकते थे, कसम से यार। हम कब गए थे आदि कैलाश, बेकार। अब अभी तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल ही लग रहा है, अब मई तक क्या पता मई के बाद सही हो पाए, तो तब जाके। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, बाकी फिर कहीं ना कहीं आपको रुकेंगे तो मिलेंगे। गाइस ना एक्चुअली हम लोग अभी पहुँच चुके हैं कमल लोगों के घर में, कमल गेट खोल रहा है और विनोद निकाल रहा है बाइक राइडर, तो क्योंकि मेरे को तो आपको पता है कि चलानी नहीं आती है, मुश्किल से आती हो, मेरे से तो गियर में ही नहीं उठती हो, तो इसीलिए हमारे लिए तो स्कूटी काफ़ी है, हम स्कूटी के दीवाने हैं। ये हैं बाइक के दीवाने, इनको चाहिए बाइक। तू कब जा रहा है? 2-4 दिन के बाद ये जाएगा। पर ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती, मज़ा आता है इसको चलाने में। नई गाड़ियों पर ना देख, हालांकि स्वैग जैसा होता है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अरे रुक रुक रुक, आगे से बाइक आ रही, अलग ही स्वैग। हाँ, इस वजह से देखो ना राइडर है 125 की, और पूरी तरह से कैसी लगी वैसे, थोड़ी सा चलाई है इसने, आवाज़ में मज़ा आ गया इसका, मतलब गाड़ी निकाली सही है बिल्कुल मस्त वाली। ये बाइक ना अगर मुझे मिल जाए, मैं इसको वहाँ कहाँ कहाँ भगा दूँ, मैं इतना कह रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो ये मैं इसको भगा दूँ आदि कैलाश तक, जहाँ ना वहाँ गए वहाँ भी चढ़ा दूँ मैं इसको, अगर ये मुझे कसम से मिल जाए तो। अभी घर वाले नहीं लेंगे क्योंकि कुछ। गाइस ना एक्चुअली हम तीनों लोग बैठे हुए हैं, बैठे तो क्या ही कहें, आपस में अलग अलग लगे पड़े हैं, यहाँ पर वो फ़ोन पे लगा पड़ा है, वहाँ जाके ये अपने फ़ोन पे लगा पड़ा है, मेरा तो यहाँ रखा है, और राइडर को देखने में है। मैं तो एक राइड करके भी आ चुका हूँ, मेरे को ना एक्चुअली क्या होता है ना गाड़ी उठाने में दिक्कत होती है, बाकी तो सब कुछ परफेक्ट है, क्योंकि मेरे साथ विनोद भी बैठा था और कमल भी बैठा था। अभी अगर मैं चलाऊंगा तो अवश्य एक वीडियो ज़रूर इसकी बनाऊंगा उस टाइम पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता उस टाइम पर, क्योंकि मेरे से ना फर्स्ट गियर में गाड़ी बिल्कुल भी नहीं उठती है, बिल्कुल नहीं,
ठक से क्लच छूटेगा बंद, फिर स्टार्ट करो, फिर क्लच छूटेगा, फिर बंद। तो क्लच और एक्सेलेरेटर का जो क्या है तालमेल मेरे पर नहीं है। विनोद भी वही कह रहा था, अभी कमल भी कल वही कह रहा था, ये भी परेशान हो गया था, तो इसलिए हमारे पास तालमेल सही से नहीं बैठता, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो क्या कहें आपका गाड़ी बंद हो जाती है। बाकी मैंने आपको राइडर दिखाई दी है, इसका जो फ्रंट लुक है एलईडी लाइट ये देखो एलईडी लाइट वाले हैं, अभी ऑन है, 125 में है टीवीएस राइडर की, पूरी तरह से देखो यहाँ पर राइडर लोगो आ जाता है इसका, ठीक है। इको और पावर मोड पर है, इको एंड पावर मोड पर है, पूरी तरह से डिजिटल इसका सब कुछ है, नंबर काशीपुर का ही है, तो ये पूरी तरह से मतलब लगती है कि हाँ कुछ है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो इसका क्या ही कहूँ, मैंने बता दिया आगे तुम्हें कि मैं इसको वहाँ तक कर दूँ जहाँ तक किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं और विनोद इसको भाई है मिल जाए ना इसको पूरा रगड़ के रख देंगे कि हाँ भाई साहब है कुछ करके, तो इसीलिए थोड़ा इसको चलाने में बहुत मज़ा। एक्चुअली सीख रहे हैं, पीछे से विनोद बता रहा है, तो इस वजह से क्योंकि मैं हूँ स्कूटी चलाने वाला और मुझे तो उतना अंदाज़ा नहीं आता, क्योंकि मैंने सीखी तो एक्चुअली बाइक में ही है पर पूरी तरह से नहीं सीख पाया क्योंकि उस समय तक मेरे भाई ने बाइक बेच दी थी। अब सीख जाएगा, सीख जाऊँगा एक दो। एक्चुअली ना गाइस इसको चलाने में तो मज़ा आ रहा है पर कुछ चीज़ें ना मेरे को इसको पता नहीं चल रही, जैसे क्लच और एक्सेलेरेटर का तालमेल, तो ये चीज़ें मुझे पता नहीं चल रही। और दूसरी चीज़ इसमें मेरे को क्या हो रहा है कि फर्स्ट गियर में मुझसे ये गाड़ी नहीं उठती है बिल्कुल भी नहीं। पर गाइस फाइनली करके ना रूम में पहुँच चुके हैं और विनोद पता नहीं क्या कर रहा है, डीवीडी लेके आया है और पता नहीं क्या कर रहा है, खुशबू उसके साथ है। ये दरवाज़ा बंद कर, चलो दरवाज़ा, पता नहीं लैपटॉप में क्या डाल रहा है। कपड़ा दे दो, फोन कर लिया, कौन सा जो करने लाया ले। थैंक यू। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।